आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। भाई अभी नाश्ता शुरू नहीं हुआ? बस किरण का वेट कर रही हूँ। हमेशा ये लड़की लेट हो जाती है। उफ़, देर हो गई आज। हमेशा ही ऐसा होता है। कोई नई बात करो। सारा, दादी को कह देना मैंने नाश्ता कर लिया, प्लीज। वो नहीं मानेंगी, पूरा नाश्ता यहीं पे पड़ा हुआ है। भाई तुम्हारी दादी तो बहुत नाराज होंगी, क्यों सारा? जी दादा, प्लीज सारा, आज तो मेरा नाश्ता कर लो, प्लीज प्लीज। खुदा हाफिज दादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? तुमने अपनी पॉकेट मनी फिर खत्म कर दी। हाँ तो खत्म हो गए ना। तुम अपनी पॉकेट मनी का करती क्या हो लड़की? तुम्हारे पास है तो दे दो, ज्यादा बातें ना सुनाओ, मुझे पहले ही देर हो रही है। ये लो। शुक्रिया शुक्रिया, ये हो गए 6,700। अच्छा अच्छा, जाओ अब अगली पॉकेट मनी पर वापस कर देना। आई बड़ा हिसाब करने वाली। टेक केयर। हाँ भाई, अब क्या मसला था उसके साथ? वो ही पुराना मसला। यकीनन उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे। जी, वैसे आपने इसको बहुत ज्यादा शैनी दे रखी। भाई मैंने क्या किया? आप उसकी लापरवाहियों को एंजॉय करते हैं, कुछ समझाना चाहिए आपको उसे। मतलब कब तक बच्ची बनी रहेगी इस तरह? वैसे एक बात है, उसकी लापरवाहियां होती एंजॉय मिले। माइंड यू, वो बच्ची नहीं है, खासी समझदार है। जी, ये खाम ख्याली है आपकी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। दादी आ रही है। तुम्हारा मतलब है तूफान? मैं चाहती हूँ कुछ काम करने। ओके ओके। हेलो। हाँ तला, तुम कह रहे थे तुम्हें वो बुक्स मिल गई। देखो शाम को तो मेरे पास नहीं है टाइम, लेकिन तुम कहो तो मैं यूनिवर्सिटी में मिल लूँ तुमसे। हाँ तो फिर ठीक है, तुम बताओ कहाँ मिल सकते हो, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। तुम्हें पता तो है कि मेरा ऑफिस तुम्हारी यूनिवर्सिटी से आगे है। हाँ ठीक है, फिर मैं बीच में मिलने के लिए आ जाऊँगा तुमसे। देखो मुझे एक टाइम बताओ और एक जगह बताओ, मैं वहीं तुमसे मिलूँगा, मैं तुम्हें ढूँढूंगा नहीं। और देखो जो टाइम दे रहे हो ना उसी पर आना, वरना मैं यूं ही वापस आ जाऊंगा। डन है तो फिर डन है, तुम्हें पता है ना मैं अपने प्लान चेंज नहीं करता। ओके अजी, वापस।
दाऊद नाश्ता नहीं करोगे? लेट हो रहा हूँ मैं। भाई नाश्ता कर लें। आप रात को भी खाने पे नहीं थे, अब वो पूछ रहे थे, और अब आप नाश्ते पे गायब होंगे, फिर वो खफा हो जाएंगे। मेरी एब्सेंस या प्रेजेंस से अब्बू को कब से फर्क पड़ने लगा? आप समझते नहीं है भाई, वो अम्मी को ख्वामा खां बातें सुनाते हैं सिर्फ आपकी वजह से। इन बातों का असर मुझ पे होता नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है इस घर में मेरी क्या अहमियत। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। तहरीम चलाओ कुछ खाते हैं। मगर क्लास होने वाली है यार, मुझे नहीं लेनी क्लास। तुम फिर से? सुबह से नाश्ता तक नहीं किया मैंने। क्लास छोड़ोगी लेक्चर मिस हो जाएगा किरण। कोई बात नहीं, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो। चलो एक मिनट। आज का अहम सवाल, अगर किसी लड़के के दिल में किसी लड़की के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? प्यार, इश्क, मोहब्बत। और उससे आगे क्या होता है? इस फीलिंग को तजस्सुस कहते हैं। अच्छा, और तजस्सुस किस फीलिंग को लीड करता है? शौक। शौक। और शौक किस फीलिंग को जन्म देता है? इरादे। और इरादा गालिबन मोहब्बत। मोहब्बत? मोहब्बत की एंट्री खासी लेट नहीं है? मोहब्बत से आगे क्या होता है? लस्ट। लस्ट। लस्ट से आगे क्या होता है? गुनाह। अच्छा, और गुनाह से आगे? अज़ियत। और अज़ियत किस चीज को जन्म देती है? आजमाइश को। आजमाइश से आगे क्या है? हिसाब। उफ़, हिसाब से आगे क्या है? डेस्टिनेशन। और उससे आगे? कुछ नहीं, या तो बहुत रोशनी या फिर अंधेरा। और इसके आगे भी कुछ है? इससे आगे तकदीर की आखिरी हद है। मैं चलती हूं। एक्सक्यूज मी। हाय। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बातें सुन ली थी। आपने जो मोहब्बत की डेफिनेशन दी है वो ठीक नहीं है। आपने ऐसे कैसे इंटरप्रेट कर लिया मोहब्बत को? रीजन की वजह से। रीजन तो कम लग रहा था, हवा में चलाए हुए तीर ज्यादा लग रहे हैं। आपको जो समझना आप समझिए।
देखिए मोहब्बत में हवस नहीं होती, जो असली सच्ची पाक मोहब्बत होती है उसमें हवस नामी कोई चीज नहीं होती। आपने आपने ठीक ठाक इंसल्ट की मोहब्बत की। या बहुत रोशनी या फिर अंधेरा, आपने शायद मेरे लव सुने नहीं। या बहुत रोशनी या बहुत अंधेरा, मैंने आपके अल्फाज बहुत अच्छी तरह से सुने। आपने ठीक ठाक इंसल्ट की मोहब्बत की। या बहुत रोशनी या फिर अंधेरा, आपने शायद मेरे लव सुने नहीं। और जैसी मुड़ के देखती है तो सरदार जी कहते हैं कि मैं तो मजाक की तासी जी। तुम बिना ना जाने किधर से लतीफे ढूंढ कर ले आते हो। इसलिए ढूंढ के लाता हूँ कि तुम हंसती ही बहुत अच्छी लगती हो। तो बातें ना बना। बातें नहीं बना रहा, सच कह रहा हूँ। वो आज तो चल चल के थक गई मैं। वो आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अच्छा, कितनी बदतमीज लड़की है यार, ना दुआ ना सलाम। अच्छा तो फिर फुरकान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? जीती रहो, ठीक हूँ। वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे मैंने क्या किया भाई? दो मर्तबा चाट खिलाने का वादा कर चुके हैं। ओ वो भूल गया, सॉरी। देख ले फिर, कितनी चटोरी हो तुम। अब मुझे पता चला कि इसकी पॉकेट मनी कहाँ खर्च होती है। अच्छा तो फिर फुरकान भाई, आप कब खिलाने लेके जा रहे हैं? जब तुम कहो। अभी चलें, बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी उठो, मुझे दो मिनट में, मैं अभी तैयार हूँ। तुम सब लोगों ने इसको सर पे चढ़ा कर रखा है। चलो इसी बहाने हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बेफन। जी 10 मिनट लगेंगे, भिजवा रहा हूँ। जी ओके थैंक्स। हाँ तलब। यार तुम मुझसे मिले बगैर ही चले गए। मैंने काफी देर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंतजार किया था। यार मैं जरा वही काम में फंस गया था, मैं इनफैक्ट अभी भी ऑफिस में हूँ। बस तो फिर मेरे पास भी इतना ही टाइम था। यार मुझे कॉल कर लेते, मुझे मैसेज ही कर देते। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं काफी देर रुका रहा। यार कमाल आदमी यार तुम, 2 मिनट और रुक जाते तो क्या था। चलो फिर कभी सही। अच्छा सुनो, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तुम्हारे डिपार्टमेंट के पास है? हाँ क्यों? नहीं बस वैसे ही पूछ रहा था। हाँ ठीक है, चल ऑलराइट ओके वापस। ये ले दादा आपकी चाय। ओ गुड गुड। ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे? वो सारा को फ्लू हुआ हुआ था तो वो टैबलेट लेकर लेटी हुई है। और खिलाओ उसको चाट। खैर इंसान को थोड़ा बहुत तो आदी होना चाहिए इन चीजों का। मुझे देख ले, मुझे तो कुछ नहीं होता। लेकिन सारा जरा सेंसिटिव है ना। अच्छा और मैं इनसेंसिटिव हूँ है ना? नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। हाँ आपने तो नहीं कहा, लेकिन दादी तो यही कहती हैं कि मुझे जितनी मर्जी डांट डपट कर लें मुझे कोई असर नहीं होता। और सच तो ये कि मैं वाकई ऐसी हूँ। नहीं
अगर मेरी राय तुम्हारे बारे में जरा मुख्तलिफ है। वो क्या? वही जो तुम हो। खैर छोड़िए, आप मुझे बताएं कि चाय कैसी है। बहुत अच्छी है, और ये इसलिए अच्छी है कि ये तुमने बनाई है। लाओ। चलें। सुनो, बड़े अगर रास्ते में खड़े हों तो कोई जाहिल गंवार भी सलाम कर लेता है। जाहिल गंवार के सलाम से खामखा आप डिस्टर्ब होंगे, इसलिए तो नहीं करता। ये क्यों नहीं कहते कि तुम जानबूझ के मुझे अवॉइड करना चाहते हो? बिल्कुल इसी वजह से नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है आपको मेरी प्रेजेंस गवारा नहीं है। अगर मेरे बारे में इतना जानते हो तो मेरे इस रवैये की वजह भी जानते हो। जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इसके बावजूद मैं तुम्हें बर्दाश्त करता चला रहा हूं। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? देख रहे हो तुम उनसे क्या कह रहे हैं, जो कहना है मुझसे कहें। गेट लॉस्ट। ओके चलिए। आज अबू का मूड फिर ऑफ है। क्यों? दाऊद की वजह से। अब सुबह तक उनका मूड खराब ही रहेगा। आज क्या नई बात हो गई? नया कुछ नहीं हुआ, वही पुरानी बात है। अबू दाऊद के मिजाज को जानते भी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। दाऊद को भी तो समझना चाहिए, उसे भी बर्दाश्त करना चाहिए, वो कि बच्चा तो नहीं है। मैं तो जब से इस घर में आई हूं यही देख रही हूं। पता नहीं क्यों उसमें इतना एटीट्यूड है, इतना एरोगेंट क्यों है वो। आई थिंक ही इज सिंपली स्पॉइल्ड। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि दाऊद को उसके मिजाज के मुताबिक कभी किसी ने हैंडल ही नहीं किया। अबू ने हर मामले में, स्पेशली दाऊद के मामले में, अपनी मनमानी ही की है, जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया। I'm sorry, फहद। तुम्हें बुरा लगा है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। We're just discussing it. शायद हम में से कोई उसको सही तरह से समझ नहीं पाया। बहरहाल वो जैसा भी है मेरा भाई और मुझे बहुत अजीज है। चाय मिलेगी? चलो यार फिर मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नो थैंक यू, मुझे एक्चुअली आज दूसरी तरफ जाना है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? न फोन अटेंड करती हो, न मैसेज का जवाब देती हो। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? हेलो मिस्टर जोसेफ। हेलो किरण। देखें आज मैं आपके लिए सैंडविचेस लेके आई हूँ, खाएंगे? आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं।
कोल्ड ड्रिंक ला के दूं आपको? I need two cigarettes. Cigarette पीने. Sure, Mr. Joseph. Thank you. Kiran, तुम वाकई किरण हो. Ray of light. रोशनी की किरण. ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं लेकिन तुम मुझे इंसान समझते हो. मैं आपके लिए आज सैंडविचेस लेके आई हूँ, खाएंगे? आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं. किरण, तुम वाकई किरण हो. रे ऑफ लाइट, रोशनी की किरण. तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? न फोन अटेंड करती हो, न मैसेज का जवाब देती हो. तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? सारा कितनी दफा फोन किया ऐसे? 6-7 दफा. जवाब क्यों नहीं दिया? सॉरी, क्रेडिट खत्म हो गया था. वो तो तुम्हारे पास कभी नहीं होता. क्या करती हो पैसों का? सॉरी दादी, आइंदा नहीं होगा. वो असाइनमेंट के चक्कर में वक्त का पता नहीं चला. चले दादी, जाने दें. गलती हो गई ना इससे, आइंदा नहीं करेगी. शहर के हालात देखो और इनकी लापरवाही देखो. एक दुख होती है, कोई हद होती है. अच्छा दादी, अब अपना मूड ठीक करें आप. आइंदा नहीं करेगी ना. जल्दी पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी वरना फिर किसी काम की नहीं रहेगी. मुझे ठंडी चाय अच्छी लगती है. अच्छा, तुम्हें पता है मैंने अपने सब घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दिया है. और अम्मी तुम्हारे से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. अच्छा, तुम अपने घर वालों को हमारे बारे में कब बताओगी? हाँ, कर लूंगी किसी वक्त. तुम कब से मुझे कहती आ रही हो यार? जुनेद, तुम समझते नहीं हो. सिर्फ अम्मी से बात करने से कुछ नहीं होता. हमारे घर की फाइनल अथॉरिटी अब्बू हैं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता. अगर तुम अपनी अम्मी से बात करोगी तो तुम्हारे अब्बू तक बात पहुंचेगी ना यार. ये इतना आसान नहीं है जुनेद, जितना तुम समझ रहे हो. हाँ, शायद मुझे असल में समझ ही नहीं आ रही है. अच्छा प्लीज,
नाराज तो मत हो, एग्जाम्स हो जाने दो, मैं फिर बात करती हूँ। ठीक है, फाइन, आई विल वेट, बट जस्ट प्लीज मेक श्योर यू डू इट, ओके? ओके, आई विल। इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी ऑफ था, फिकर हो रही थी मुझे तुम्हारी। आप ना ही मेरे लिए फिकरमंद हुआ करें ना ही परेशान, जैसे पहले कभी नहीं हुई। तुम मुझसे क्यों बदगुमान हो? मैं आपसे बदगुमान नहीं हूँ, मुझे पता है आपको अपने शौहर का साथ निभाना है और अपनी औलाद को सिक्योर करना है। मेरा शौहर तुम्हारा बाप भी तो है। मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि आप उनकी हैं और वो सब आपके हैं। वैसे भी आपने हमेशा मुझ पर उन सबको ही तरजीह दी। खैर, मुझे अच्छा नहीं लगा आपको इस तरह यहां देखकर, मेरा इंतजार ना किया करें। लड़के के दिल में किसी लड़की के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? इस फीलिंग को तजस्सुस कहते हैं। अच्छा, और तजस्सुस किस फीलिंग को लीड करता है? शौक। शौक। और शौक किस फीलिंग को जन्म देता है? इरादे। और इरादा? गालिबन मोहब्बत। तला, हाँ मैं ठीक हूँ यार। वो बुक्स देने तुम घर मत आना, मैं किसी दिन वापसी में यूनिवर्सिटी से ले लूंगा तुमसे। हाँ हाँ, आई एम श्योर। ठीक है, चलो फिर बात होती। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लीजिए दादा चाय। ओ, ये बताओ तुम सारा और दादी के साथ क्यों नहीं गई? मुश्किल से एक दिन छुट्टी का आता है, वो भी शॉपिंग में जाया कर दूं। ऐसे एक बात है, तुम चाय बहुत अच्छी बनाने लगी। रहने दें आप, मुझे पता है दिल रखने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि सारा से अच्छा काम मैं कर ही नहीं सकती। ये तुमसे किसने कह दिया? मुझे पता है, जब मामा जिंदा थी तो वो यही कहती थी, और अब दादी भी यही कहती हैं। लेकिन खैर, क्या किया जा सकता है, मैं तो हूं ही ऐसी। एक बात तुम्हें बताऊं, जो खूबियां तुम में है वो सारा में नहीं है। और ये रास की बात थी जो मैंने तुम्हें आज बता दी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई खास खूबी नहीं है, और मैं सारा बनना भी नहीं चाहती। मैं किरण हूं और सारा नहीं बन सकती। तुम्हारी बातों में चाय पीना भूल गया। ओ हाँ, लाओ लाओ जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, फिर उसको फाइनली समझे? हाँ तकरीबन डन। यस। अरे दाऊद, कैसे हो?
ठीक हूँ। जॉब कैसी जा रही है? वो भी ठीक चल रही है। भाई कभी चक्कर बक्कर लगा दो। सीमी अपने डिजाइन्स एग्जिबिट करना चाहती है, इसको हेल्प आउट ही कर दो। मैं बिजी होता हूँ, मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है। तुमने उसे हमेशा मेरे सामने शील्ड किया। उसने जब भी मुझसे बदतमीजी की तुमने हमेशा उसकी साइड ली। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आज जो रवैया उसने जाहिद के साथ रखा है, अगर मैं जाहिद की जगह होता तो सख्त बुरा मनाता। ये तो बड़ा ही है उसकी कि उसने कुछ नहीं कहा। उसे अच्छी तरह समझा दीजिए कि इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, बस। अबू प्लीज आप टेंस ना हो, अम्मी का कोई कसूर नहीं, उन पर भी गुस्सा मत हो। मैं बात करता हूं दाऊद से, वो ठीक हो जाएगा। अरे तुम उसे क्या समझाओगे? तुम्हारी बात समझनी होती तो आज हालात बेहतर ना होते। आप खाना तो खाएं प्लीज। अच्छा भैया बताओ कि तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही? बिल्कुल A1 दादा। खाती पीती कुछ नहीं है, सारा दिन ख्वार होती रहती है। दादी किसी बहम में मत रहिएगा दादी, मोहतरमा काफी अल्लम गल्लम खाती रहती हैं इधर उधर। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी अयाशी करने का मेरे पास वक्त नहीं है। ओ तभी तो महीने की 10 तारीख से पहले ही इनकी पॉकेट मनी खत्म हो जाती है। अच्छा तो ये बात है जी। दादा ये ऐसे ही कह रही है। उमर आ रहे हैं अगले हफ्ते। सच? सच? फोन आया था उसका। कितना मजा आएगा, पूरे 2 महीने के बाद आ रहा है। अच्छा ये बताओ इस खुशी में अच्छी सी कॉफी कौन बनाएगा? यकीनन सारा। वेरी फनी दादा, आप जानते हैं ना कि इस घर में सबसे अच्छी कॉफी सिर्फ किरण बनाती है। खाना खाके तुम कॉफी बना लेना, तुम इसकी हेल्प कर देना। दोनों बनाएंगे तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। अजीब जिंदगी है ये भी, हर वक्त किसी ना किसी मसले, किसी ना किसी उलझन में पड़ जाने का डर हवास पे छाया रहता है। सानिया अब्बू का मिजाज ही ऐसा है, क्या किया जा सकता है? Can't do anything about it. इसमें हमारा क्या कसूर है? उनका मूड हमेशा दाऊद की वजह से ऑफ रहता है, गुस्सा हम पर या अम्मी पर निकलता है और खुद ऐसे मौके पे दाऊद गायब होता है। तो दिन हो गया उसने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। हमारे साथ खाना वो अब्बू के मिजाज की वजह से नहीं खाता। अच्छा भाभी प्लीज आप तो अपना मूड खराब ना करें, हमें तो इस रूटीन की आदत हो गई है, आपको भी हो ही जाएगी। कभी कभार की बात हो ना तो मैं बर्दाश्त भी कर लूं। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, उसने जाहिद अंकल के साथ बदतमीजी की है। आज वो आएगा तो मैं उससे जरूर बात करूंगा। आपकी बात जैसे वो बहुत समझेगा, आप तो खुद उसके मिजाज से डरते हैं, हालांकि वो आपसे उम्र में छोटा है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि जाहिद अंकल और अबू के बिजनेस टर्म्स कैसे हैं। अबू तो सीमी की शादी दाऊद से करने का सोच रहे हैं। भाभी दाऊद भाई ने अगर ये सुन लिया ना तो उसके हेलो का जवाब भी नहीं देंगे। मैं कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? आप अपना मूड अच्छा कर। उमर की पढ़ाई तो तकरीबन खत्म हो गई,
वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। याद है आपको जब इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी थी? हाँ याद। सादिया और शहजाद की बेवक्त मौत ने तो हमारी कमर भी तोड़ के रख दी थी। उस वक्त हम सोचते थे कि इन बच्चों की जिम्मेदारी को हम कैसे पूरा करेंगे, मगर देख ले वक्त कैसे गुजर गया और तीनों माशाल्लाह कैसे कामयाब हो गए। अरे वक्त को तो गुजर ही जाना होता है। बस अब दूसरे मसले दरपेश हैं। वो कैसे? बच्चों की सेटलमेंट। मुझे उमर और सारा की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन किरण की तरफ से मैं बहुत परेशान हूं। वो क्यों? उसका बचपना और लापरवाही खत्म ही नहीं होती, संजीदा ही नहीं होती वो। अरे समझ जाएगी जिम्मेदारी भी, आप अभी से उसे क्यों बड़ा बना देना चाहती? आपकी जो शय है ना वो उसे बच्चा ही बना रखेगी। हाँ तो मेरी नजर में तो वाकई अभी वो बच्ची है। जब आप ही संजीदा नहीं है तो वो कहां से होगी? काश मैं अपने दोनों हाथों से लिख सकती। क्यों, काम बहुत ज्यादा है क्या? हाँ कल डेडलाइन है सबमिट कराने। पहले क्यों नहीं बनाई? बस सुस्ती सी है। कम से कम अपनी स्टडीज के मामले में तो सीरियस हो जाया करो। मैं सीरियस नहीं हो सकती। वेरी नाइस, तो फिर भुगतो। भुगत ही रही हूं, और क्या कर रही हूं। अरे वो देखो क्या है, मेरा रोशन सितारा। कहाँ? वो रहा, देखो मेरा सितारा सबसे ज्यादा रोशन है। और वो रहा मेरा, किधर जो तो नजर नहीं आ रहा। अरे वो देखो कहाँ, तो गायब हो गया। अरे कहाँ जा रही हो? रहने दो, मेरा सितारा तो हमेशा ही गायब हो जाता है। अरे रुको, किरण नजर आ गया। किरण वापस आओ जल्दी से। पूरा हेलो। हाय। मैंने यहाँ आज ही बेसिक में ज्वाइन किया। मुझे नहीं लगता कि आपको इस कोर्स में कोई इंटरेस्ट है। मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने कोर्स ज्वाइन ही क्यों किया। दाऊद भाई आप फिर भूल गए ना मेरी बर्थडे। इन्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम इनकी बहन हो। तुम्हें तो अपने सारे रिश्ते याद है ना, तो फिर खिलाओ ना ये केक अपने रिश्तेदारों को। ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए
शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.